बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली एमसीटी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी राजद गठबंधन जिसमें जदयू शामिल है और गंभीर चुनौती बनी हुई है भाजपा के लिए आम आदमी पार्टी। कांग्रेस भी त्रिकोणीय मुकाबले में पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश में लगी है, लेकिन लड़ाई सीधी तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रही है। तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में से गुजरात सभी नेता शिफ्ट हो गए हैं, वहां चुनाव होनी है। फिलहाल मुख्यमंत्री केजरीवाल भी गुजरात में कैंप किए हुए हैं और दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित तमाम नेता। टिकट किसे दिया जाए, क्या होगा वर्तमान पार्षदों का, इसी मंथन में लगे। अभी तक किसी ने टिकट नहीं वितरण किया है और 4 दिसंबर को चुनाव होनी है, 7 दिसंबर को रिजल्ट आनी है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है दिल्ली का। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और साफ सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिलना, इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार वार कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त बता रही है, शराब घोटाले के आरोपी बता रही है मनीष सिसोदिया को। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखते रहिए मिहिर झा के साथ एमसीडी चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। कुल मिलाकर अभी तक किसी भी दल ने एमसीडी चुनाव में प्रत्याशी की सूची नहीं जारी की है। 2 से 3 दिनों में सूची जारी होने की संभावनाएं हैं। मुद्दा खास है भ्रष्टाचार और नगर निगम के भवन निर्माण में की गई अनियमितताएं, साफ सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं देना। दिल्ली नगर निगम एक होने के बावजूद भी समस्याओं के मकर जाल में फंसा पड़ा है। तो चुनाव में आखिर वोट किसकी बट लेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनावी चर्चा जरूर चल रही है। 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था तो एमसीडी के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी निवर्तमान पार्षदों का टिकट काट दिया था और नए नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों लड़ रही थी, कुछ निर्दलीय भी मैदान में थे। तो अमित शाह का यह फार्मूला अंत तक काम आया और भारी बहुमत से भाजपा पुनः एमसीडी सिविक सेंटर पर काबिज हुई। लेकिन इस बार उतनी राह आसान नहीं दिख रही है। केजरीवाल पंजाब में काबिज हो चुके हैं। नगर निगम के मुद्दों को दुर्गेश पाठक रणनीतिकार जो विधायक हैं लगातार लगे हुए हैं।